डीडी अकादमी में आप सभी का स्वागत है। कल हमने क्षेत्रफल के ऊपर पढ़ा हुआ था, एक ही वीडियो में सारे सवाल हमने किए हुए थे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो हम डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दे रहे हैं। आज हम आयतन के ऊपर पढ़ेंगे, सारे बेसिक पढ़ेंगे और सारे सब तरह के आयतन निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए केवल एक ट्रिक का हम लोग उपयोग करेंगे। लेकिन क्लास शुरू होने के पहले एक मजेदार गेम के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए, इस मजेदार गेम को आप भी जानते हैं कि मैं बोलता हूं कि दिमाग की कसरत, अर्थात जिससे आप फोकस कर पाते हैं, सवालों को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलता है। तो चलिए अब यहां से शुरू होता है। अब आपके सामने एक सवाल है। देखिए, यहां पर कोई भी संख्या जो यहां पर लिखते, जैसे तीन लिखते हैं तो तीनों यहां तीनों जगह तीन लिखना होगा, यहां एक संख्या लिखना होगा और जोड़ने पर 555 होगा। समय आपका शुरू हो चुका है। बहुत ही आसान है, जरा सोचेंगे। अगर सोच नहीं पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके भी सोच लेंगे, ये आपसे होना ही चाहिए। देखिए, यही दिमाग की कसरत है। आप पॉज कर लीजिए, नहीं हुआ है, अगर सोच चुके हैं तो शायद आप सही सोच चुके हैं। ये होगा 185, क्योंकि 5 5 5 जोड़ेंगे तो 5 3 8 24, 1 25 का 5, हाथ मेरा हाथ 2 1 1 3 और 2, 555। अपने दोस्तों को भी पूछिए, उनको भी थोड़ा कीजिए। तो ये मस्ती भरा चीज है। अब चलिए हम क्लास की तरफ चलते हैं। केवल एक ट्रिक से, ओनली वन ट्रिक से, आप चाहे घन की सवाल करें, घनाभ की सवाल करें, बेलन की सवाल करें, आप शंकु की सवाल करें, पिरामिड की सवाल करें, जो भी सवाल करें, केवल एक ट्रिक से सॉल्व हो सकता है। लेकिन यह ट्रिक इतना मतलब सरल भी नहीं है। थोड़ा सा वक्त देना होगा, 5 से 10 मिनट, कि इस ट्रिक के बेसिक को समझ लेना होगा। आप 5 से 10 मिनट दिए, सोचिए कितने सारे सवाल को आप करने में सक्षम हो जाएंगे। और यह काफी जरूरी है, जिन्हें लगता है कि वॉल्यूम आयतन निकालने के लिए बहुत सारे चीजों को पढ़ना पड़ता है, फॉर्मूला को याद करना पड़ता है, तो दोस्त आप गलत हैं। केवल एक ट्रिक और एक फॉर्मूला से, एक ट्रिक फिर से दोहराता हूं, और एक फॉर्मूला से, चाहे आप कमरे की रंगाई की बात करें या किसी बाल्टी में बॉल को डालकर पानी कितना उठ रहा है उसको देखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, कुछ भी आयतन के सवालों को करें, आप कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला देखिए, आयतन का मतलब क्या होता है। देखें जरा, इसको घन बोलते हैं। घन मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है। तो और इसका क्षेत्रफल क्या है? आधार का क्षेत्रफल, ये जो है आधार, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई भी a है इसका, चौड़ाई भी अगर a है तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? a स्क्वायर। देखिए आयतन, देखिए घन के लिए आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। देखिए ये घनाभ है, इसका भी आयतन का फॉर्मूला देखिए, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये देखिए एक सिलेंडर है या बेलन है, इसका भी फॉर्मूला क्या है? देखिए आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ये एक शंकु है, शंकु में खाली देखो, ये भी आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है और 1/3 हो जाता है। ये एक पिरामिड है, पिरामिड का भी देखो 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब देखो सबका आधार का क्षेत्रफल अलग होता हुआ जा रहा है। अगर ये आपका घन है तो आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, अगर ये घनाभ है तो आधार का क्षेत्रफल ए बी है, अगर ये बेलन है तो ये जो पोर्शन है ये आपका क्या होगा? उसका वृत्त होगा, वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है। यहां देखिए शंकु का भी होता है, तो शंकु का भी जो ये वृत्त ही होता है तो ये भी पाई आर स्क्वायर होता है, 1/3 होता है। और अगर ये पिरामिड है तो फिर इसका जो आधार है, ये आधार क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, ए गुने बी। तो मैं इस चीज को क्यों दिखा रहा हूं? मेरे दिखाने का एक ही कारण है कि हम जब फॉर्मूला याद करते हैं तो अगर जो पहले मैंने वीडियो दिया था जिसमें क्षेत्रफल था, एरिया था, उस एरिया को अगर हम याद कर लेते, बस एक ही फॉर्मूला याद करना पड़ता है, फिर आयतन तो ऐसे ही निकल जाता है।
तो बहुत जगह पे मैंने देखा है कि लोग क्या है कि पूरा आयतन क्या कहते हैं क्षेत्रफल का पहले पूरा फॉर्मूला देते हैं, घन का, घनाभ का, सब का देते हैं, वृत्त का, फिर आयतन का अलग से फॉर्मूला देते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं होता है, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई ये सबका एक ही फॉर्मूला है। भले शेप के अलग अलग होने से आधार का क्षेत्रफल चेंज होता जाता है, केवल एक जगह जो आपका स्फीयर है, गोला है, उसमें आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई नहीं होता है। तो इसको ही केवल अगर आप दिमाग में रख लेते हैं तो फॉर्मूला का बोझ जो है वो कम हो जाता है। इसके लिए मैं इस चीज को दिखाया और आशा करता हूं कि इस चीज को आप जरूर दिमाग में रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए घन क्या है, अभी हमने बताया घन का मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, सॉरी मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। तो घन वो है जिसका, ये समझ लीजिए चौड़ाई है, ये अगर लंबाई है, ये अगर ऊंचाई है, तीनों जब बराबर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो अब देखो क्यूब का आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब लंबाई गुने चौड़ाई होता है, इसका लंबाई भी ए है चौड़ाई भी ए है, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, और इसकी ऊंचाई भी बराबर है, तो आधार का क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर हो गया, ऊंचाई भी इसका ए है, तो ये ए क्यूब हो जाता है, तो घन का ए क्यूब हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि आप जो हम जो सीखते हैं ना, तो इसको फॉर्मूला को उतना याद रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि घन का जो है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, और घन का जो आधार क्या होता है वो वर्ग होता है, क्यों, क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो नेचुरली हम तुरंत समझ जाते हैं कि इसका फॉर्मूला ए क्यूब है। अब आते हैं घनाभ क्या है भैया, घनाभ का देखिए ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, घनाभ मतलब आप अपना अपना कमरा पकड़ लो ना यार, कितना लंबा है चौड़ा है, लंबा चौड़ा तो बराबर नहीं होता है, उसका ऊंचाई अलग होता है, तो तीन अलग अलग माप आ जाते हैं, जबकि सब 90 डिग्री पर होता है। तो फिर हम जानते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई आधार का क्या होगा, ये आयत होता है बेसिकली, घनाभ का जो फर्श है, बेस है, आधार है, वो क्या है, आयत है। तो आयत का क्या है, क्षेत्रफल ए गुना बी, और ऊंचाई उसका एच है, तो देखो आधार का क्षेत्रफल बराबर ए इंटू बी, ऊंचाई इसका एच, तो घनाभ का फॉर्मूला निकल गया ए गुने बी गुने एच, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब हमें एक चीज को देखना है, अब हमें एक चीज को समझना है, जैसे आप जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं जरा सोचे, तो उसमें सबसे लंबा डंडा कहाँ कैसे रखा जा सकता है, जो मैक्सिमम लंबा का डंडा, मतलब एक डंडा जो मैक्सिमम लंबा कैसे रखा जा सकता है, समझ लीजिए ये अगर आपका कमरा है तो इस कोने से छत के पास उस कोने तक जो डंडा रखोगे वही सबसे बड़ा होगा। तो इसे क्या बोलते हैं, कर्ण, इसको डायगोनल बोलते हैं या कर्ण बोलते हैं, लेकिन देखो ये 3D कर्ण है, मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मिक्स है। अब देखो दो कर्ण है, मैंने जानबूझ के एक, ये देखो ये क्या है, ये आपके जो आयत है आयत का विकर्ण है, और ये जो आपका ब्लू कलर की लाइन जा रही है ये क्या है, ये घनाभ का विकर्ण है। अगर ये घन होता तो क्या होता, तो घन होता तो देखो इसके तीनों जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता, तो बराबर क्या होता, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इसको जोड़ते तो क्या होता, 3A² होता, 3A² का वर्गमूल निकालते तो √3A होता, ये घन का कर्ण है। अगर मैं यहां से लेके यहां तक खींचता हूं तो इस घन का जो कर्ण है ये 3D कर्ण है, जो ये 3D कर्ण जो है यही सबसे लंबा डंडा हम इस घन के अंदर में रख सकते हैं। अगर घनाभ का कर्ण होगा तो क्या होगा, घनाभ का होगा तो देखो लंबाई का स्क्वायर रूट ओवर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है, एक जरा एप्लीकेशन करके देख लें, एक फॉर्मूला मार के देख लेते, इसमें
देखो इसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो इसका ये सबसे लंबा डंडे का साइज क्या होगा भैया? 5 का, देखो 5 का स्क्वायर रूट ओवर किया, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, जोड़ देंगे तो 38, रूट ओवर 38 हुआ। तो हमने ये इस चीज को जान लिया कि घन हो घनाभ हो इनका फॉर्मूला क्या होता है, और ये अगर घन का कर्ण घनाभ का कर्ण या बोला जाता है कमरे में सबसे बड़ी डंडा क्या रखा जा सकता है, जो सवाल बराबर आते रहते हैं इस सवाल को, तो इसके फॉर्मूला से सीधी सीधी अगर अपने दिमाग में रखते हैं, या रूट ओवर होगा और ये 5 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं? इसलिए बोलता हूं कि फॉर्मूला का लोड आप अपने पे जितना कम रखेंगे उतना ही व्यवस्थित रूप से आपको चीजें याद रहेगा। अब देखिए इस पे जो है हमारे पास सवाल आता है, कमरे की रंगाई क्या क्या खर्च आएगा, टंकी में कितना पानी है, ये घन और घनाभ के बेस पे, कमरे में कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है, अभी जो हमने चर्चा किया तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो आज क्या है कि आयतन हम खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता यार, फिर इस पे एक दिन जो है जिस पे जितने तरह के सवाल आते हैं उस पे चर्चा कर लेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, चलिए एक सवाल करके देखते हैं। एक कमरा 4 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। अगर कमरे की रंगाई का खर्च 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो उस कमरे की रंगाई में छत के साथ कितना रुपया होगा या कितना रुपया लगेगा? अब देखो भैया कमरा है, कमरा का मतलब है आप ही खुद को देखो ना, 4 दीवार है, भूल जाओ कि उसमें कोई खिड़की वगैरह है, नहीं है, थोड़े देर के लिए पकड़ लेते हैं खिड़की नहीं है। तो फिर क्या करेंगे यार, दीवार का जब क्षेत्रफल निकाला जाता है, देखोगे जैसे ये पकड़ लो एक कमरा है, पकड़ लेते हैं, तो इधर एक लंबाई है, इधर एक लंबाई है, इधर एक चौड़ाई है, तो इधर एक चौड़ाई है, तो देखो 2 चौड़ाई 2 लंबाई होता है, ये हम दीवार को पकड़ लो, ये एक दीवार, ये दूसरा दीवार, ये तीसरा दीवार, ये चौथा दीवार, हम पकड़ लेते हैं कि दोनों की चौड़ाई बराबर है, दोनों की लंबाई बराबर है, तभी कोई कमरा चौरस बनता है। तो फिर हमने क्या देखो, दीवारों का कुल क्षेत्रफल 2, 2 क्यों लिया? कहा कि ये सब 2, 2 है, इधर भी है, इधर भी 2 है, ये भी है, ये भी है, 2 है, तो 2 ले लिया। फिर देखो 4 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, यहां नीचे अंदर जोड़ दिया तो कितना हुआ, 7 दूनी 14। तो देखो 7 दूनी 14 ये क्या हुआ, लंबाई आ गया, और गुना 3 से गुना किया, क्यों, 3 इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना, तो 42 वर्ग मीटर निकला। देखो अगर हम ऐसे करते यही क्या होता, 4 मीटर लंबा है, चलो हम दूसरे तरह से देखते हैं, 3 मीटर चौड़ा है, तो 4 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है, तो ये 4 तिया 12, एक दीवार का 12, तो 12 और इधर इधर का भी दीवार होगा ना, देखो ये 12 का पकड़ लो, एक दीवार है, तो इधर भी 12 ही होगा, तो 12 12 24 हो गया। फिर दूसरा बोलता है क्या, और एक 3 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा है, तो मतलब ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो ये 9 मीटर और ये 9 मीटर, तो फिर हमारा कितना हमने जोड़ा, 24 और 18, 24 और 18 को जोड़ते हैं तो 42 होता है। तो देखो इसका, इसको मैंने अलग अलग जोड़ा, वक्त लगा, और हल्के में क्या होता है, देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 3 है, ये 3 है, तो हमने 4 प्लस 3 कर दिया देखो अंदर में, और 2 से गुना कर दिया, फट से निकल गया टोटल, और वो ऊंचाई कितना है, फिर उसको ऊंचाई से गुना कर दिया, 42 वर्ग मीटर। अब बोलता है छत का क्षेत्रफल, अब जरा छत के ऊपर एक बार देखो, तो तुम्हारे कमरे की लंबाई भैया 4 मीटर है और चौड़ाई अगर 3 मीटर है तो यही इसका क्षेत्रफल होगा जो तुम्हारा छत है, तो फिर 4 तिया 12, ये 12 वर्ग मीटर आ गया, तो दीवार का आ गया 42, छत का आ गया 12, जोड़ देंगे तो क्या होगा, 54 वर्ग मीटर है। खर्च क्या बोल रहा है, 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो हम सीधा सीधी 42 को हम 54 को हम 30 से गुना करेंगे, 3 चौके 12 का 2, हाथ मेरा 1 3 5 15 1 16, तो 1620 रुपये हो गए। आप जानते हो कि ये बहुत ही कॉमन सवाल है, मैंने जानबूझ के किया, ऐसे तो हम इसके ऊपर आयतन के ऊपर 10-15 सवाल तो करेंगे ही, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए अब इसका देखते हैं, एक 210
क्यूबिक मीटर क्षमता वाले पानी का घनाव टंकी का अगर फर्श का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, बोलता है कि इसकी क्षमता क्या है, 210 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर मतलब 210 मीटर गुना मीटर गुना मीटर, लंबा मीटर, चौड़ा मीटर, ऊंचा मीटर, इसलिए क्यूबिक मीटर। तो बोलता है 210 क्यूबिक मीटर क्षमता वाले इस टंकी में इसका जो फर्श है, यह फर्श है 30 वर्ग मीटर का, तो उस टंकी की ऊंचाई क्या होगी। हमने क्या बोला था, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या होगा, आयतन बटे क्षेत्रफल। फिर से बोलता हूं, किसी का आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आयतन बराबर क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, जो पहले स्लाइड से मैंने बात करना आपसे शुरू किया था। अब ऊंचाई बराबर तब क्या होगा, आयतन बटे क्षेत्रफल। यहां आयतन कितना दिया है, 210, क्षेत्रफल कितना दिया है, 30, भागा देंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा 7 मीटर। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। अब देखेंगे कि अगर आप एक सवाल इसका करते हैं, क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रतिशत का, उससे कहीं सहज सरल सवाल ये सब होते हैं। तो मैं इसके लिए इसको शुरू करता हूं कि कुछ लोग इससे भागते हैं, तो ना भागें, कोशिश करें, तो ये बहुत ही आसान चीज होता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब देखते हैं आयतन जो है, जो गोल सतह का है, जैसे गोल सतह मतलब मैंने बेलन ले लिया, तो ये क्या है, ये बेलन है। देखो ये इसकी, ये इसका वृत्त का पोर्शन है, नीचे गोल है ना, तो ये इसका त्रिज्या है और ये बेलन की ऊंचाई h है। तो इसका आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार किसी वृत्त का, इस तरह के बेलन का आधार क्या होता है, वृत्त होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर है, तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो आयतन पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये एक बेलन है, ये देखो एक बेल मतलब पाइप है, ठीक है ना, ये उसका खाली है, ठीक है। तो देखो यहां पर भी यही फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, यहां भी इसकी यही फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ये एक सॉलिड बेलन है, ठीक है ना, तो देखो इसका भी आपका आयतन का छे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ये ग्लास है, उल्टा करके रखा हुआ है, मतलब मुंह इस साइड में, पेदी इसका इसमें है। इसका भी देखो आर इसका त्रिज्या है इस गोले का, हाइट इसकी ऊंचाई है, तो फिर इसका आयतन क्या होगा, वही पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो हम कंसेप्ट को ठीक करने के लिए, मैंने आपको ये सारे जो पिक्स दिखाए उसके पीछे एक ही कारण है, चाहे कोई चीज क्या कहते हैं उसकी मुंह खुली हुई हो आपके बेलनाकार में या मुंह बंद हो, जब आयतन की बात आती है तो पाई आर स्क्वायर एच ही रहता है। जैसे ये ग्लास ले लो एक तरफ, देखो ये दोनों तरफ खुला हुआ है, इसका भी आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, इसका देखो एक तरफ बंद है, एक मुंह खुला हुआ है, इसका भी आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो समझ लो ये कॉमन फॉर्मूला है, और इसमें पाई आर स्क्वायर क्या है, चूंकि गोल है तो इसकी वृत्त का, नीचे का जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल होता है, और गुने एच मतलब ये ऊंचाई होता है। अब देखो मैंने एक शेप लिया, इसको आगे चर्चा करेंगे, इस तरह के सवाल आते हैं। अब देखो ये एक बेलन है, ठीक है ना, इसका क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इसके ऊपर एक शंकु बैठा हुआ है, शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, इसका। और इसका जो है ये एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला का क्या होता है, 3/2 आर क्यूब। तो फिर इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, और इस तरह के उतने डीप में सवाल आप लोगों के नहीं आते हैं, तो भी जान लेने में क्या बोलते हैं ना, गलत क्या है, थोड़ा जान लेते हैं, कहीं अगर पूछा जाए तो थोड़ा बहुत तो कुछ कर ही पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऊंचाई बराबर क्या होता है, आयतन बटे क्षेत्रफल। इस चीज को बहुत बराबर याद रखेंगे। देखिए पहले मैंने एक सवाल भी किया था, तो ये अगर बहुत जगह हमें ऊंचाई निकालने के लिए होता है तो फिर हमें क्या होता है, देखो यहां पे हमें केवल त्रिज्या दे देता है। अगर हमें त्रिज्या मिलता है तो हम इसकी आयतन निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, भाग देते हैं, तो हमारी आयतन बटे क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई होता है। ये बड़ी सिंपल सी चीज है,
और इसका इस्तेमाल जब हम गणित में करेंगे ना तो बहुत बार करेंगे। तो एक चीज खाली बोलने के लिए मैं कर रहा हूं कि ये जो सारे सवाल है ना, ये कहीं से भी आप ना सोचो कि बहुत ज्यादा भारी है या बहुत सारे फॉर्मूला को याद करना पड़ता है। नहीं, आप केवल आयतन बराबर क्षेत्रफल, मतलब बेस का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, इसी फॉर्मूला से क्या निकलता है, ऊंचाई बराबर आयतन बटे क्षेत्रफल। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गोले का आयतन। गोला में क्या होता है, देखो 4/3 πr³। अगर मैं ये देखो, एक 4/3 है, ये तो संख्या याद करना है। यहां पाई आर स्क्वायर एच का, अगर एच भी आर होता तो पाई आर क्यूब होता, इसको हम आगे जाके बताएंगे। तो यहां से गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। और गोले के सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए पिछले वीडियो में मैंने इसका चर्चा किया है, क्या है, 4πr². तो हम याद रखेंगे, अगर हमें गोले के आयतन को किसी उसी गोले के सतह के क्षेत्रफल से हम भागा देते हैं तो 1/3 × त्रिज्या निकल जाता है। इसको दो चार बार ध्यान देके देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो है इसी पे निर्धारित रहता है। तो ये थोड़ा जान लेना जरूरी है। और देखिए जितना हमें मिला, बहुत ज्यादा तो अभी फॉर्मूला मिला नहीं, ढूंढ के आपको भी ना मिला, मेरे को भी नहीं मिला। इसके पहले वाले वीडियो जो है मैंने अभी दिया था 2-4 दिन पहले, जो इससे कहीं ज्यादा है उसमें कुछ आपके फॉर्मूला है, उसको याद करने के लिए उस वीडियो को अवश्य देखें। उसका लिंक मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका क्षेत्रफल और त्रिज्या दोनों तैयार हो जाता है। और उसके बाद इसके ऊपर जो प्रत्याशित सवाल है उन सवालों को हम डील करते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल और आयतन जो है वो तैयार हो जाता है। और मैं बोलता हूं इसके लिए 2 दिन भी ठीक से जरूरत नहीं होता है। तो आप प्रतिशत पर किसी चीज को 2 दिन में सीख के उस जगह नहीं पहुंच सकते हैं, जबकि यहां 2 से 4 मार्क्स केवल 2 दिन की कोशिश से मिल सकता है। चलिए क्लास को खत्म करने के पहले, मतलब खत्म मतलब ये करने के पहले, जरा अर्ध गोले का आयतन के बारे में जानते हैं। देखो अर्ध गोला मतलब इसको काट के अगर मैं आधा कर दूं तो यही अर्ध गोला होगा। तो गोले का आयतन 4/3 है, πr³ है। आधा गोला मतलब 4 का आधा कर दीजिए, 2/3 πr³, 2/3 πr³। तो देखिए जितने स्वाभाविक तरीके से मैं बोल सकता हूं, मैंने आज उसी तरह बोलने का कोशिश किया। मैं जानता हूं आप में से बहुत कोई हैं जो साइंस के स्टूडेंट नहीं रहे, तो इन चीजों को देखते ही आपको डर लगता है। तो मेरा यही कोशिश रहा कि काफी स्वाभाविक ढंग से आपको बातें करूं और वैसे इस चीजों को आपको दर्शाऊं जो आपको समझ में आए। और आशा करता हूं इन चीजों को आप काफी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर लगता है कि मैं आपके काम में आने वाला हूं तो फिर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं। आप लोगों ने समय दिया, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।